Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर के बारे में, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना. अनदर मेजर चैलेंज बिफोर द कंट्री इज टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू इट्स पीपल. देश के सम्मुख एक अन्य मुख्य चुनौती लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. Due to lack of proper health care, 254 females out of every 1 lakh die while giving birth. This is called maternal mortality rate, MMR. स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव में प्रति 1 लाख महिलाओं में से 254 स्त्रियां बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं. 50 out of 1000 children die at the time of birth, which is called infant mortality rate, IMR. प्रति 1000 बच्चों में से 50 जन्म के समय मर जाते हैं, जिसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं. और maternal mortality rate को हिंदी में मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं. 15 children out of 1000 die before completing 4 years of age, which is known as child mortality rate, CMR. प्रति हजार 15 बच्चे 4 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले मर जाते हैं, जिसे बाल मृत्यु दर कहते हैं. Certainly, these news are not encouraging. There are so many villages and remote areas in the country. But unlike cities and towns, these areas do not have adequate health centers or hospitals and doctors to attend the problems of people there. निश्चय ही ये सूचनाएं उत्साहवर्धक नहीं हैं. देश में बहुत से गांव और दूर दराज क्षेत्र हैं, किंतु शहरों और कस्बों की तरह इन क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल और डॉक्टर नहीं है. इन 2010-2011 द गवर्नमेंट स्पेंट ओनली अबाउट 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, व्हिच इज ओनली 1.27% ऑफ आवर नेशनल इनकम. इवन आवर नेबर श्रीलंका स्पेंड्स मोर देन इंडिया ऑन हेल्थ सर्विसेज पर हेड. वर्ष 2010-2011 में सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा पर कुल खर्च का केवल 5% खर्च किया, जो हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 1.27% है. हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत से अधिक खर्च करता है. तो चलिए आइए, लेट्स लुक एट द रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज. आइए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका को देखें. 1. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2005 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटेटिव हेल्थ सर्विस टू रूरल पॉपुलेशन. It aims at strengthening health and family welfare programs, removing diseases such as malaria, kalazar, blindness, iodine deficiency, TB, filaria, leprosy, etc. by improving public health delivery system. National Rural Health Mission, NHRM, has started revitalizing the existing primary and community health centers. By September 2010, around 8 lakh health workers have been given training on healthcare and more than 9,000 doctors and 26,000 nurses have been appointed on contract basis to give health services to rural population. National Rural Health Mission, NRHM, is also running many mobile medical units, MMUs, which run from one place to another to provide healthcare at doorstep. Rashtriya Grameen Swasth Mission, NRHM. Rashtriya Grameen Swasth Mission ki sthapna varsh 2005 mein grameen jansankhya ko vahan karne yogya evam gunatmak swasth sevayein uplabdh karane ke liye ki gayi.
इसका उद्देश्य बीमारियां जैसे मलेरिया, कालाजार, अंधापन, आयोडीन की कमी, तपेदिक, कुष्ठ रोग, फलेरिया आदि को दूर करने के लिए जनता को जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्तमान प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमाण फूंकने के लिए आरंभ किया गया है। सितंबर 2010 तक लगभग 8 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है और 9000 से अधिक डॉक्टरों और 26000 नर्सों को ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य निगम बहुत सी सचल चिकित्सा इकाइयां भी चला रहा है जो लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती हैं। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना JSY। इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, सरकार ने बच्चे को जन्म देते समय मां के जीवन को बचाने के लिए जननी सुरक्षा योजना आरंभ की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY। हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल इन इंडिया। सम स्टेट्स हैव वेरी गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, व्हाइल अदर्स डू नॉट हैव दीज फैसिलिटीज। दीज हैज क्रिएटेड रीजनल इम्बैलेंसेस इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ओवर क्राउडिंग इन सर्टेन प्लेसेस वेयर दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। For example, the All India Institute of Medical Science AIIMS is situated in Delhi and is a world-class medical institute cum hospital. Since other states do not have such a facility, people from different states come to Delhi to get treatment in AIIMS. AIIMS, All India Institute of Medical Services. As a result, AIIMS has become overcrowded with a long waiting period for treatment. To remove these problems, the government of India has launched PMSSY, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Under this scheme, 6 new AIIMS, All India Institute of Medical Science, like institutions will be constructed in different parts of the country. It is also aims at upgrading 12 existing government medical colleges in different states. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों में चिकित्सा संस्थान, कॉलेज, अस्पताल के रूप में बहुत अच्छी स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध है, जबकि दूसरे राज्यों में ये सुविधाएं नहीं है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है और कहीं पर अधिक भीड़ पाई जाती है जहां वे सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है और एक विश्व स्तर का चिकित्सा संस्थान और अस्पताल है। क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, भिन्न भिन्न राज्यों से लोग इस संस्थान में उपचार कराने के लिए दिल्ली आते हैं। इसका परिणाम यह है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में अधिक भीड़ हो गई है और इलाज करने के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन समस्याओं का निदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 6 नए संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के विद्यमान 12 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों का स्तर ऊंचा करना भी है। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल। एड्स, अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इज अ डेंजरस हेल्थ डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स पीपल इंफेक्टेड विद एचआईवी। About 24 lakh people in India were affected by HIV in 2009, which is one of the highest in the world. Once the virus called HIV attacks the human body, the person loses strength to fight diseases and his or her immune system becomes weak over time. Under such a circumstance, the person cannot recover if he or she suffers from any disease. AIDS, acquired immune deficiency syndrome, has endangered population all over the world. The government of India has created centers to regenerate awareness to prevent AIDS as well as treat people affected by the virus. Rashtriya AIDS Niyantran. AIDS, acquired immune deficiency syndrome, एक भयानक स्वास्थ्य अवस्था है जो उन लोगों को प्रभावित करती है जो एचआईवी से संक्रमित हैं। भारत में वर्ष 2009 में लगभग 24 लाख लोग एचआईवी से प्रभावित थे, जो विश्व में सर्वाधिक में से एक है। एक बार एचआईवी नामक विषाणु मनुष्य के शरीर पर आक्रमण करता है तो मनुष्य की बीमारियों से लड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम समय के साथ कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम वह सिस्टम है जो आपको बीमारियों से लड़ने में सहायता देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति यदि किसी बीमार का शिकार हो जाता है तो वह स्वस्थ नहीं हो पाता। एड्स ने पूरे संसार की जनसंख्या को खतरा में डाल दिया है। भारत सरकार ने एड्स को रोकने के लिए लोगों में जागृत पैदा करने तथा विषाणु से प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए केंद्र खोले हैं।